क्या आपको हाथ पैरों में सुन्नपन की दिक्कत रहती है या फिर नसों में किसी भी तरह का ब्लॉकेज होने की वजह से आपके शरीर में दर्द रहता है? वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, नसों के गुच्छे बनने शुरू हो गए हैं, शरीर में ब्लॉकेज होने की वजह से आपको शरीर में जगह जगह दर्द या जकड़न रहती है, इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज है या फिर आपको किसी भी तरह का शरीर का ब्लॉकेज है, उसके लिए आज के हमारे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको बेहद लाभ देगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके नसों के ब्लॉकेज को तो खोलेगा ही, साथ ही साथ आपके शरीर से थकावट या फिर आप बहुत लंबे समय से अगर खून की कमी की समस्या से परेशान हैं या खून नहीं बनता तो इन सारी समस्याओं में भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नसों की कमजोरी दूर होगी, नसों को बल मिलेगा और आपके शरीर को एक नई ताकत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि इसे किस तरीके से बनाना है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके किचन में ही अवेलेबल कुछ चीज़ों के साथ एक ऐसा नुस्खा बनाकर तैयार करेंगे जो कि आपके शरीर के ब्लॉकेज को खोलेगा और साथ ही साथ आपको कई सारी समस्याओं में काफ़ी लाभ देगा, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज या फिर आपको माइग्रेन का दर्द रहता है या जोड़ों में किसी तरह का दर्द है, वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है, इन सारी समस्याओं में इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 10 ग्राम अखरोट की ज़रूरत होगी। हम सभी जानते हैं कि अखरोट कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से नसों का ब्लॉकेज खोलने में हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आपने यहाँ पर 10 ग्राम की मात्रा में ये लेने हैं। साथ में आप चाहें तो सारी चीज़ों को नाप कर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मात्रा रहेगी वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप काउंट करके भी ले सकते हैं या फिर ग्राम्स में नाप कर भी आप ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अगली चीज़ के बारे में, तो वो है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये भी आपने 10 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ये शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिसकी वजह से आपको लाभ मिलता है कि बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल प्रमोट होता है, नसों का ब्लॉकेज खुलता है। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से आप शरीर में जकड़न की समस्या या वेरिकोज वेन्स की समस्या से परेशान हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में ये बहुत मदद करती हैं, आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है। तो यहाँ पर आपने 10 ग्राम की मात्रा में अलसी के बीज का इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है तेज पत्ते। ये भी आपने 10 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। तेज पत्ते जो होते हैं वो शरीर में किसी भी तरह की गंदगी है, विषाक्तता है, उसको कम करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। इनमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारी नसों की कमजोरी को दूर करते हैं, जिससे आपको इस नुस्खे के अंदर इनके काफ़ी लाभ मिलेंगे। तो 10 ग्राम की मात्रा में ही आपने तेज पत्ते का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, तेज पत्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा, ताकि हम जब इस औषधि को बनाकर तैयार करें तो उन्हें पीसने में हमें कोई दिक्कत ना हो। अगली जो चीज़ है वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। ये आपने 1 ग्राम की मात्रा में लेनी है। दालचीनी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए या फिर जिनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है उनके लिए बेहद अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, साथ ही साथ नसों के ब्लॉकेज को कम करने में या ख़त्म करने में आपको काफ़ी मदद करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आप यहाँ पर दालचीनी का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दालचीनी सूट नहीं करती है, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो दालचीनी को स्किप कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है सूखा धनिया, जिसे साबुत धनिया भी कहते हैं। ये भी आपने 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। सूखा धनिया जो होता है ये आपके नसों के ब्लॉकेज को खोलने के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो कि हमारे शरीर को और भी कई तरीक़ों से फ़ायदा करता है, जैसे कि ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है और साथ में नसों की कमज़ोरी को दूर करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है सौंफ, जो कि आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है 10 ग्राम की मात्रा में। जितनी भी चीज़ें आपने लेनी है ये उसी हिसाब से लेनी है जो भी मात्रा आपको बताई गई है। सौंफ जो होती है ये आंखों की रोशनी बढ़ाती है, शरीर को बल देने का काम करती है और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है।
अब जितनी भी चीजें आपने ली हैं, इन सारी चीजों को आप एक साथ मिला लें और आप इन्हें किसी पैन में डाल करके ड्राई रोस्ट कर लें। बस इतना ही करना है जिससे इनकी नमी दूर हो जाए। जैसे ही इनकी नमी दूर हो जाती है उसके बाद आप इन्हें जो है किसी प्लेट में डाल करके ठंडा कर लें। जब इनका तापमान बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद मिक्सी के जार में डाल करके इन्हें बिल्कुल अच्छे से पीस लीजिएगा। एकदम बारीक पाउडर आपने बना लेना है। इसके बाद इन्हें छान करके अब इस औषधि से आपने लगभग 13 पुड़ियां बनाकर तैयार करनी है। तो छोटे छोटे कागज ले लीजिएगा जिससे कि आप बराबर औषधि को इसे बांट सकें। कोई छोटी चम्मच या कोई मेजरमेंट के लिए छोटी चम्मच ले लीजिएगा जिससे कि आप इसे आराम से नाप सकें, या चुटकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी पुड़ियों के अंदर जो औषधि है वो बराबर मात्रा में जानी चाहिए। अब इन पुड़ियों को बांध कर एक साइड रख लीजिए। रोजाना सुबह के समय में खाली पेट आपने इनमें से एक पुड़िया लेनी है। अब आपने क्या करना है, मैंने बता दिया आपको कि सुबह के समय में एक पुड़िया आपने लेनी है नॉर्मल पानी के साथ में, और लगातार 13 दिन तक लेनी है। इससे आपके शरीर में जितना भी ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है और आपको बेहद लाभ मिलते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने सुबह के समय में पहले दिन ये पुड़िया ली है उसी समय पर लगातार आपने अगले दिनों तक ये पुड़िया लेनी, यानी कि आने वाले 13 दिन तक इसी पुड़िया को उसी समय पर लेना है जिस दिन आपने पहली पुड़िया को लिया था, और ताजे पानी के साथ लेना है। और साथ में आपने इस्तेमाल करना है एक विशेष तेल का। अगर आपकी पिंडियों में दर्द रहता है या फिर नसों के गुच्छे से बन गए हैं, वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपने सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल ना हो तो तिल के तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लगभग 4 से 5 चम्मच सरसों के तेल को आपने किसी कटोरी में डालकर हल्का गुनगुना कर लेना है। इसमें आपने 2 कली लहसुन की छेद करके डाल देनी है और इसे अच्छे से पका लीजिएगा। मतलब इतना पकाना है जिससे कि आपकी जो लहसुन की कलियाँ उसमें आपने डालनी है उनका जो पोषक तत्व है वो इसमें आ जाएं। या फिर आप चाहें तो इतना भी पका सकते हैं कि लहसुन की जो कलियाँ हैं उनका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। गैस को बंद कर दें और इसे किसी कांच की शीशी में भर के रख लें। ध्यान रखना है लहसुन को छान कर अलग नहीं करना है। अब जब भी आपको जो है जहाँ भी दर्द है उस जगह पर सूजन या दर्द हो उस टाइम पर आपने हल्का सा गुनगुना करना है इस तेल को और इससे मालिश करनी है। एक बात का ध्यान रखना है, अगर वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है तो मालिश बहुत जोर से नहीं करनी होती है, और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ करनी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करनी होती है। बहुत हल्के हल्के हाथ से आपने नीचे से ऊपर की तरफ को मालिश करनी है, हल्के हल्के हाथ से। इस बात का ध्यान रखें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपको जो जकड़न है, जो दर्द है, उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। अगर आपके घुटनों में दर्द की दिक्कत है तो ऐसे में भी आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप जो है नसों के ब्लॉकेज के लिए किसी तरह की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो ऐसे में पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे इसका सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।